फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल. माई नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी आर लर्निंग बायोलॉजी एंड दिस सेशन इज़ फॉर क्लास 11. वी हैव कम्प्लीटेड द एनिमल टिश्यू. इन द एनिमल टिश्यू अ लॉट ऑफ टिश्यू वी हैव स्टडीड एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स विच यू स्टडीड इन दैट चैप्टर. And if you do have any problem, then please let me know. If you will write down in the comment box, sir, please teach or please just make me understand this topic again, then I will bring the doubt session for you of that chapter. But I think so that you will not face any problem. But still, if you are having any problem, then please just write down in the comment box, then I will solve your doubt. So we are going to switch to the next chapter, next unit start karne ja rahe. That is, in this unit we will study about the cell, then I will just start the cell division, then after that biomolecule. So there are three chapters which we will study in this unit: cell, then biomolecule, then there will be a cell division. Clear? Because the CBSE has just shot out a lot of syllabus, okay, from your book. So I told you, whatever topics are just eliminated for this session only. Whenever I will complete the class 11 syllabus, that is very too hard for me also, because the syllabus of 11th is vast. If we compare to the class 12th and class 11, the class 11 syllabus is vast and it is very interesting too. That's why it takes too much time to complete the class 11 syllabus. So switch karte hain next chapter pe aur start karte hain khub khub sari energy ke saath. Aur isi energy ko badhane ke liye dekho kitni achhi line laga rakhi hai. Jab mehnat karne ke baad bhi sapne poore nahi hote, kabhi kabhi kisi student ko lagta hoga ki maine itni mehnat ki lekin mere number bahut kam aaye. ठीक है, अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में नंबर मार्क्स कम मिले. ठीक है, तो आपको लगेगा यार हमने बहुत मेहनत की थी, हमने तो रात भर पढ़ाई की थी. तो आपको डाउन नहीं होना है. ठीक है, आपको मोराल अपना डाउन नहीं करना है. देखो उसी से रिलेटेड लाइन है, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं. ठीक है, आप किसी रास्ते जा रहे हो उससे हो सकता है कि आप अपने मंजिल तक ना पहुंच पाओ, तो आप अपने रास्ते बदल दीजिए. लेकिन आपके जो प्रिंसिपल्स हैं कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए, उसको कभी नहीं चेंज करना चाहिए. अपने एंथुजियाज्म को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं. ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी रूट अपने, कोई भी प्लांट अपने रूट को नहीं चेंज करता, हमेशा अपने पत्तों को गिरा देता है, पुराने पत्तों को गिरा देता है, नए पत्ते आ जाते हैं और फिर से हरा भरा प्लांट हो जाता है, लेकिन कभी जड़ नहीं चेंज करता. जड़ चेंज किया तब तो प्लांट ही चेंज हो गया. बात समझ में आई? तो रूट मतलब वो प्रिंसिपल हैं आपके, जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस दिलाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको कभी हमें चेंज नहीं करना चाहिए. तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं, खूब सारी एनर्जी के साथ और बढ़ते हैं. देखो, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल. ठीक है, एंड दिस ब्रांच इज नोन एज साइटोलॉजी. देखो, आपको पता है ना, साइटो, वेर एवर यू आर हैविंग द वर्ड साइटो, उसका मतलब क्या होता है? सेल. ठीक है, और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी. वेर एवर यू आर हैविंग लॉजी, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा? स्टडी. सो साइटोलॉजी मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वॉट? साइटोलॉजी और सेल बॉडी, सेल बायोलॉजी. क्लियर? सो As you know, elementary things about the cell. आपको बहुत कुछ पता होगा सेल के बारे में. ठीक है, जैसे इन 9th क्लास द टीचर्स टुक वन एग्जाम्पल, अ वेरी फैमिलियर एग्जाम्पल, दैट एज योर बिल्डिंग्स और एज योर हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. जैसे आपका घर है, बहुत बड़ा घर है, तो वो ब्रिक्स से बना हुआ है. अगर उसकी यूनिट देखा जाए तो वो क्या है? ब्रिक्स हैं. सेम एज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी जो इतनी बड़ी बॉडी है वो किससे बनी होगी? दैट इज मेड अप ऑफ सेल. तो हम सेल को किससे कंपेयर कर सकते हैं? ब्रिक्स से. जैसे ब्रिक्स यूनिट है, ऐसे ही सेल भी किसकी यूनिट है? लाइफ की यूनिट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट है. ठीक है, नाउ यू कैन आस्क वन क्वेश्चन सर आपके दिमाग में. अब देखो, इंटरप्रिटेशन, जब भी हम थोड़ा सा मैच्योर होते हैं तो उसके बारे में जो हमारी मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ती है. उस टाइम हमें जो पढ़ा दिया जाता है हम ठीक है, बहुत कमी स्टूडेंट की क्यूरोसिटी वहाँ पे बढ़ती है. लेकिन हम जब और हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमारी क्यूरोसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है. ठीक है, कि हमने ये पढ़ा था तो इसका मतलब हमें उस टाइम क्लियर नहीं हुआ था. तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी. ठीक है, पेशेंस के साथ पढ़ना है और खूब अच्छे से समझना है. तो मैंने जैसे एक क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर, इफ़ ओनली वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज देयर, मान लो कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी यूनिट क्या है? ठीक है, आपने बोल दिया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की यूनिट तो सेल है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब देखो ये तो एक
बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके ये क्वेश्चन हो सकते हैं दिमाग में आए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो उसकी यूनिट है। इसीलिए मैं हमेशा कभी एक एग्जांपल लेके नहीं समझाता, जैसे मैं ब्रिक का लेके एग्जांपल नहीं समझाता, जैसे आपका घर है तो उसमें बहुत सारे रूम्स हैं, ठीक है, एक रूम को हम सेल मान सकते हैं, एक रूम को हम क्या मान सकते हैं, सेल। हो सकता है किसी का घर केवल एक रूम का हो तो इसका मतलब वो भी एक सेल है, और किसी का घर हो सकता है बहुत सारे रूम का हो तो इसका मतलब है वो मल्टी सेलुलर है। आप क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कई सारे एग्जांपल लेके कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, एक ही एग्जांपल पर रहेंगे तो कन्फर्म है हमें कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं वो पिंच करेगा दिमाग में कि यस ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से सेल के बारे में ये तो क्लियर हो गया कि सेल इज़ अ यूनिट, एक यूनिट है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट्स वाई वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते बिकॉज इट इज़ माइक्रोस्कोपिक। कभी भी आप जैसे आपका जब भी ब्लड फ्लो होता है तो उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो आपको लगता है तो रेड ब्लड है, ठीक है, लेकिन वो रेड क्यों है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। बट डू यू एज यू नो दैट इन द ब्लड देर आर सो मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, एज आई टोल्ड यू इन द एनिमल टिश्यू ऑल्सो देर आर सो मेनी सेल्स, विल यू एबल टू ऑब्जर्व द सेल्स इन द ब्लड, नो, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, दैट्स वाई वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, दैट्स वाई वी रिक्वायर सम इंस्ट्रूमेंट, जैसे माइक्रोस्कोप है, ठीक है। पास्ट टाइम में, मतलब एंशियंट टाइम में, देर वॉज नो इन्वेंशन, देर वॉज नो एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के फील्ड में कोई एडवांसमेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन नहीं था, ठीक है, इन्वेंट नहीं हुए थे माइक्रोस्कोप, दैट्स वाई इट वॉज टू हार्ड, ठीक है, इट वॉज वेरी कम्बरसम प्रोसीजर टू जस्ट रिवील अबाउट द सेल, सेल के बारे में पता लगाना, सेल के अंदर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत टिपिकल टास्क था। तो अब तुम खुद ही सोचो कि इफ़ वी कैन नॉट सी अ थिंग विद आवर नेकेड आई, जिसको हम देख नहीं सकते, उसके बारे में एक पता कैसे लगाएंगे, ठीक है, एक अमेजिंग चीज़ होती है, एक ऐसा लगता है जैसे ये कभी, मतलब एक मिस्ट्री है जो कभी सॉल्व नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे बायोलॉजी की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनोवेशन होने लगे, माइक्रोस्कोप वगैरह इन्वेंट हो गए, देन द साइंटिस्ट केम टू नो अबाउट द सेल, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिवील की अबाउट द सेल, सेल के बारे में, ठीक है। तो सेल का तो ये तो क्लियर हो गया कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, आपके नाइन्थ में जो चैप्टर था उसका नाम ही था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सही है, इट इज़ राइट दैट इट इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इन योर बॉडी रेस्पिरेशन टेक प्लेस, तुम कहोगे हाँ सर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन अगर कोई पूछे वेयर डज द रेस्पिरेशन टेक प्लेस, तो आप कहोगे बॉडी में होती है, लेकिन बॉडी में कहाँ होती है पता है, सेल के अंदर होती है। वट एवर केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी, दोज ऑल परफॉर्म इन द सेल, वो सारे फंक्शन, वो सारी एक्टिविटीज़ कहाँ परफॉर्म होती है, सेल के अंदर परफॉर्म होती है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे बाहर कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जितनी भी हमारे बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, जितने भी इस तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, दोज ऑल टेक प्लेस इन द सेल, दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हमें दिखते हैं बाहर से, ये सारे फंक्शन हो रहे हैं, दे ऑल टेक प्लेस इन द सेल और बाई द सेल, या तो सेल के थ्रू हो रहे हैं या तो सेल के अंदर हो रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका दिमाग खुला होगा कि इस चैप्टर में हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सेल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। इफ एनी स्टूडेंट नो अबाउट द सेल, ऑर्गेनल्स के बारे में पता है, तो बहुत सारे टॉपिक्स को क्या कर सकता है, समझ सकता है, ठीक है, और अच्छे से, मतलब उनको रिवील कर सकता है, उनको कनेक्ट कर सकता है, उनसे नॉलेज गेन कर सकता है, उनको अप्लाई कर सकता है कहीं पे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी ऑफ द क्लास 11। तो बढ़ते हैं आगे, ये तो मैंने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि सेल क्या होती है, ठीक है, सेल के बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन बाद में सेल के बारे में पता लगने लगा कि सेल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए इसको डिफाइन करने के लिए, और सेल की अलग अलग डेफिनेशन भी बताई गई। देखो कुछ, देर आर फ्यू डेफिनेशन ऑफ द सेल, कुछ सेल की डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन, ये लैंग्वेज बड़ी टफ है, तो मैंने लगा दी है, लेकिन मुझे पता है कि आप एक सिंपल लाइन में लिख सकते हो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट्स इट, वो अच्छा है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट डेफिनेशन इज रॉन्ग और दैट डेफिनेशन इज इनसफिशियंट, दैट इज सफिशियंट, यू कैन, ठीक है, बट यू शुड नो अदर डेफिनेशन टू, आपको अदर डेफिनेशन भी जाननी चाहिए। देखो लिखा हुआ है द सेल इज डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अभी मैंने बताया ना बायोलॉजिकल एक्टिविटी डेलिमिटेटेड, ठीक है, टू आर डिफरेंटली, ये टू लिखा है, HU की जगह टू लगा लेना, टू आर डिफरेंटली परमेबल मेम्ब्रेन,
ठीक है, तो मतलब वो किसके अंदर डेलिमिटेड है, किसके अंदर कन्फाइन है, एक परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। मतलब सेल एक ऐसी यूनिट है जो सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकती है, अपने आप को डिवाइड कर सकती है, ठीक है, एंड दैट कैन डेवलप अ लॉट ऑफ सेल, लॉट ऑफ डॉटर सेल्स को क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है इन अ मीडियम फ्री ऑफ अदर लिविंग सिस्टम। उसको और कोई लिविंग सिस्टम नहीं चाहिए, उसका अपना एक एरिया है, अपना एक लिविंग सिस्टम है, उसी सिस्टम में द सेल कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शन, वेरियस एक्टिविटी, और उसमें वो सेल रिप्रोड्यूस भी कर सकती है। क्लियर है? तो इसका मतलब है सेल एज अ यूनिट इट इज इंडिपेंडेंट। अगर हम सेल को एज अ यूनिट देखें तो वो इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर एक रूम में आपने सारी फैसिलिटी कर ली है, उसमें फ्रिज भी है, उसमें वॉशिंग मशीन भी है, उसमें किचन भी है, ठीक है, तो आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई दूसरे से लेना देना नहीं है, ठीक है। सेम एज इन द सेल, इफ ए सेल सेल इज देयर दैट इज मीडियम, मतलब उसको कोई और मीडियम से मतलब नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट। अगर एज अ यूनिट वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, दैट इट सेल्फ कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ फंक्शन। एक सेल जो है खुद से बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, उसको बहुत नीड नहीं होती किसी और सेल के, ठीक है, लेकिन उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई और भी चीज़ें तो उसको ज़रूरत पड़ेगी ना। अब आप एक रूम में हो जाओ तो तुम कहो कि हम निकलेंगे ही नहीं, सारी फैसिलिटी यहाँ है, लेकिन जो भी आपको फूड चाहिए होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, उसको उसके लिए तो आपको बाहर से सोर्स का मतलब सोर्स तो चाहिए होगा ना, ये तो है नहीं कि उसको लिए नहीं चाहिए होगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये डेफिनेशन ये वाली समझ में आ गई, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको आपको याद रहे, बस समझ लो कि हाँ ऐसी डेफिनेशन भी हो सकती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट और सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, द सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यूनिट है चाहे वो स्ट्रक्चर हो चाहे वो फंक्शन हो। अभी मैंने बताया ना कि हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे ऑल टेक प्लेस इनसाइड द सेल, वो सेल के अंदर होते हैं। इट इज द मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर, ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि कितना ऑर्गेनाइजेशन है मैटर का, दैट इज कैपेबल ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस वी कलेक्टिवली रिफर टू एज लाइफ। मतलब हम जो कहते हैं ना हमारे लाइफ में ऐसा हो रहा है, जैसे डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, डायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारी सेल है या हमारी बॉडी है, उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम होता है, एक टर्नओवर चलता रहता है। जैसे हमने अगर फूड खाया तो फूड का कंजम्पशन हुआ, फिर फूड बनता है, फिर फूड का कंजम्पशन होता है, तो ये चल क्या रहा है, डायनेमिक प्रोसेस चल रहा है। ये डायनेमिक प्रोसेस कभी बंद नहीं होता, हमेशा डायनेमिक प्रोसेस ये चला करता है। दैट्स वाई इसी को हम तो बोलते हैं लाइफ। जिस दिन हमारी डायनेमिक प्रोसेस या किसी भी सेल की ये प्रोसेस बंद हो जाती है, तो सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, मतलब उसके अंदर ये सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाते। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा सेल के बारे में। वी विल स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट द सेल, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और मैं आपको सेल को आपके रूम से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो ये समझ लो कि वो एक सेल है, ठीक है, और जितने भी उसमें जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, वो सब आपको सेल की फीलिंग कराएंगे, ये मैं अश्योर करके दे सकता हूँ। तो आप अपने रूम में जहाँ पे भी बैठ के पढ़ रहे हो, ये कंसीडर कर लो कि दैट इज़ सेल, वो क्या है, सेल है। और उसके बाद अभी मैं जितने भी पार्ट्स उससे कनेक्ट करूँगा, उससे कनेक्ट करते चले जाना। जब भी आप उस रूम में एंटर करोगे तो आपको लगेगा ये तो सेल ही है, वाकई में सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे कि सेल का, सबसे पहले सेल के बारे में कैसे पता लगा। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट, आजकल मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, देखो ये रॉबर्ट बुक हुक है, ठीक है, ये मैंने बुक लिख दिया यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना, रॉबर्ट हुक, ठीक है, बुक नहीं है, रॉबर्ट हुक। तो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ रॉबर्ट हुक, लास्ट में ई जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट हुक 1665 में स्टडीड अ थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क। आपको पता है ना हाजमोला के पहले जो शैशे आते थे, उसमें जो बॉटल आती थी उसमें कॉर्क लगा होता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे बॉटल्स आती हैं जिसमें कॉर्क लगा होता है, तो उसको बोलते हैं बॉटल कॉर्क। कॉर्क का क्या सिग्निफिकेंट रोल होता है कि वो जो है एयर पैसेज को रोकता है, ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ अगर मतलब मेल्ट हो रही है, ख़राब हो रही है, तो उसको बचाता है, तो उसको बोलते हैं बॉटल कॉर्क। बॉटल कॉर्क का सोर्स जो होता है वो प्लांट होते हैं, ठीक है, ट्री जो होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में एक मैंने ट्री बताया था, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, बॉटल कॉर्क। तो बॉटल कॉर्क किसका किसका पार्ट है, प्लांट का पार्ट है। तो रॉबर्ट हुक ने एक थिन स्लाइस लिया था बॉटल कॉर्क की, और अभी मैंने बताया बॉटल कॉर्क कहाँ से मिलती है, ट्री से मिलती है, ठीक है। फाउंड उसमें उन्होंने जब उसको ऑब्जर्व किया, मतलब बॉटल कॉर्क के जो थिन स्लाइसेस थी, जब उसको ऑब्जर्व किया मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से, तो ही ऑब्जर्व अ स्मॉल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर्स, उनको उनको दिखा कि बहुत सारे स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं दैट लुक लाइक एज अ बी हाइव, जैसे मधुमक्खी के जो हाइव्स होती हैं, बी हाइव जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी तरह वो स्ट्रक्चर दिख रहा था, इस तरह से ऐसे बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स थे।
तो एक्चुअली इन्होंने सेल के बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं था, बस ये बताया था कि इसमें बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं। इसका इन्होंने नाम रखा था सेलुला, ठीक है। सेलुला एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम, क्लियर है। तो सेलुला इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स लिटिल रूम, क्लियर। तो उसी का नाम क्या पड़ गया, सेल। बस ही डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द सेल, बट ओनली दैट इन द बॉटल कॉर्क व्हेन ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ द बॉटल कॉर्क ही ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट दैट इज नोन एज सेलुला। उसको क्या नाम बुलाया था, सेलुला नाम बताया था। और सेलुला मतलब होता ही है क्या, लिटिल रूम, और उसका नाम क्या पड़ गया, सेल्स, क्लियर है। बस इतना ही बताया था, ऐसा नहीं बताया था कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल लिविंग होती हैं, डेड होती हैं, नथिंग, कुछ नहीं बताया, केवल इतना बताया कि सेल्स होती हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लिवेनहॉक, इनका पूरा नाम एंटोन वॉन लिवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की स्टडी की थी, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं। इन्होंने कुछ एल्गी, कुछ एनिमल के सेल को स्टडी करके बताया कि ये जो सेल इन्होंने बताया था ना कि लिटिल कंपार्टमेंट होती हैं, एक्चुअली दे आर लिविंग सेल, वो लिविंग सेल्स होती हैं, क्लियर है। तो इस तरह से ये दो चीज़ें पता हो गई। पहले सबसे पहले पता लगा कि जो बॉटल कॉर्क है वो बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट से बना हुआ है, दैट इज़ नोन एज सेलुला, उसी को हम क्या बुलाते हैं, सेलुला बुलाते हैं। और उसी को बाद में क्या बुलाया गया, सेल्स, ठीक है। उसके बाद एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने क्या किया, ही टोल्ड दैट दीज आर द लिविंग सेल, ये क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था एम जे शेल्डन और दूसरे का नाम था थियोडोर शॉन, ठीक है। एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। अब आपको ये तो पता ही है कि बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट द साइंटिस्ट दोज स्टडी अबाउट द प्लांट एंड जूलॉजिस्ट दोज स्टडी अबाउट द एनिमल, जो एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं उनको बुलाते हैं जूलॉजिस्ट। तो आपको ऐसे याद रहेगा, जू, जू में आप कभी प्लांट देखने नहीं जाते, हमेशा आप क्या देखने जाते हो, एनिमल देखने जाते हो। याद कैसे करेंगे, कभी कभी साइंटिस्ट का नाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नीट वगैरह में आता है और कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें से कौन से बॉटनिस्ट है और कौन से जूलॉजिस्ट है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, श्वान। श्वान जो है वो एनिमल को बुलाते हैं, ठीक है। हिंदी में श्वान आपको पता है हंस को बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से श्वान क्या है, एनिमल है। अब देखो थियोडोर श्वान भी क्या है, जूलॉजिस्ट, ही वॉज द जूलॉजिस्ट। और एम जे शेल्डन और जो दूसरे बचे वो क्या थे, बॉटनिस्ट थे। तो ही दे ऑब्जर्व इन देयर डिफरेंट, अपने उन्होंने अपने परव्यू में जब इन्होंने देखा, ठीक है, अपने अलग अलग एरिया में जब देखा, भाई शेल्डन ने प्लांट को ऑब्जर्व किया होगा और श्वान ने किसको ऑब्जर्व किया, एनिमल को ऑब्जर्व किया। देन दे गॉट टू नो दैट प्लांट्स आर मेडअप ऑफ सेल्स, कि जो भी प्लांट्स हैं दे आर मेडअप ऑफ सेल्स, वो सेल्स के ही तो बने हैं। और जो श्वान है उन्होंने किसको ऑब्जर्व किया, एनिमल को। तो एनिमल में देखा कि एनिमल की जो मतलब एनिमल के जो पार्ट्स हैं दैट इज़ आल्सो मेडअप ऑफ सेल्स। तो इन्होंने अलग अलग अपने अपने फील्ड में प्लांट को और एनिमल को देख के ऑब्जर्व किया और बताया कि एनिमल एंड प्लांट्स आर मेडअप ऑफ सेल्स, ठीक है, ये चीज़ें बता दी इन्होंने, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले सेल्स को किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने बताया। बुक सही कर लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कंसिडर कर लेना, ठीक है। और दूसरा क्या, एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने लिविंग सेल के बारे में बताया। फिर एम जे शेल्डन एंड श्वान ने जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट, इन्होंने प्लांट और एनिमल की स्टडी करके बताया कि दे आर मेडअप ऑफ सेल, वो सेल के ही बने होते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आई जिनका नाम था पुरकिंजे, पी से पुरकिंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म, ऐसे याद रहेगा। देखो जो सेल का लिविंग कंटेंट होता है ना, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब तुम कहोगे सर सेल तो लिविंग ही होती है, आप कह रहे हो कि सेल का लिविंग कंटेंट, देखो सेल में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो डेड भी हो सकते हैं, जैसे सेल वॉल। इफ वी टॉक अबाउट द सेल वॉल दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट दैट इज डेड, वो डेड होता है। एक्सेप्ट ऑफ द सेल वॉल ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल आर लिविंग, दोज लिविंग पार्ट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। वैसे तो प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट और प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड या लिविंग, तो ठीक है। तो जो फर्स्ट मतलब जो लिविंग पार्ट है सेल का दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोटोप्लाज्म। सो सबसे पहले पुरकिंजे ने लिविंग मैटर को ऑब्जर्व किया था सेल में, कि सेल में बताया कि कुछ लिविंग मैटर होता है। अगर वो सेल में नहीं होता, जैसे अगर आप टिश्यू पढ़ते हैं या आपने टेंथ में भी पढ़ रखा है जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा, आपने पढ़ रखा है कि ये टिश्यूज डेड हो जाते हैं। प्लांट में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो पहले तो लिविंग होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। डेड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये आपने लाइन पढ़ी होगी, ठीक है, मेरे को बताना, हाँ सर मैंने पढ़ी है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब दे डोंट हैव प्रोटोप्लाज्म, सो दैट्स वाई दे आर डेड। लेकिन अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि जिन सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम डेड बोल सकते हैं, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। इफ न्यूक्लियस इज नॉट देयर बट अदर लिविंग मटेरियल इज देयर, सेल मेम्ब्रेन इज देयर, साइटोप्लाज्म इज देयर, देन द सेल इज लिविंग, लाइक एज द मैच्योर आरबीसी,
मैच्योर आरबीसी में क्या होता है, दैट इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन दैट इज नॉट डेड सेल, दैट इज अ लिविंग सेल. वो लिविंग सेल है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या हुआ, उसमें और जो लिविंग मैटर हैं दे आर प्रेजेंट. दैट्स वाई द मैच्योर आरबीसी इज लिविंग सेल. इट डजेंट मैटर डिस्पाइट दैट दैट इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस. उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डेड है. समझ में आ गया? तो सेल का जो भी लिविंग पार्ट है, इसके लिए कि आप फार्मूला याद कर सकते हो, नोट कर लो, सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म. सेल में से अगर आपने सेल वॉल को हटा दिया तो बचा क्या, प्रोटोप्लाज्म, दैट इज लिविंग फ्लूड ऑफ द प्लांट और ऑफ द सेल. क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्क्यो. क्योंकि ये क्वेश्चन आया कि चलो ठीक है, सेल के बारे में थोड़ा सा पता लगा कि सेल इज द यूनिट, सेल इज लिविंग होती है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हमारा मेडोप ऑफ सेल, ये भी क्लियर हो गया. उसमें एक लिविंग फ्लूड होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे ने बताया. बट हाउ द सेल अराइज, सेल अराइज कैसे होती हैं? तो इसके लिए रुडोल्फ विर्क्यो ने कन्फर्म किया कि द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जैसे मान लो एक चौक है, ठीक है, उस चौक को अगर मैं ब्रेक कर दूं, तो जो एक ब्रेक पार्ट है, मतलब जो नया पार्ट है, वो कहाँ से आया? अब आप कैसे बताओगे दैट स्मॉल पार्ट अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग चौक. एक चौक है, उसको मैंने तोड़ दिया, जो टूटा वाला पार्ट है, जो छोटा वाला पार्ट है, अगर आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो क्या बताओगे? दिस स्मॉल पार्ट अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग चौक. जो पहले से चौक थी उसी में से टूट के वो क्या बन गया, एक नया चौक बन गया, ये तो बोल सकते हो. तो सिंपल से इन्होंने बहुत बढ़िया डेफिनेशन, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया कि ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं ना, वो कहाँ से अराइज होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल. अब तुम कहोगे सर प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे अराइज होती हैं, तो बाय द सेल डिवीजन. इसीलिए मैं सेल चैप्टर के बाद डायरेक्ट आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, ना कि बायोमोलिक्यूल. क्लियर है? ठीक है, तो ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाई विच प्रोसेस, बाई द सेल डिवीजन. तो इन 1858 द रुडोल्फ विर्क्यो कन्फर्म द सेल्स यूनिक रोल एज द वेसल ऑफ लिविंग मैटर. उन्होंने बताया कि वो वेसल है जिसमें लिविंग मैटर होता है. वेन ही showed that all cells, आप लिख सकते हो all new cells arise from, necessarily derive from pre-existing cell. इसी को लैटिन लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं, omnis cellula e cellula. तो इसका मतलब ही होता है all the new cells arise from the pre-existing cell. ठीक है, तो होता नहीं भाई लैटिन में mostly जो लैटिन और ग्रीक वर्ड हैं इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं साइंस में, क्योंकि वहाँ पे इन्वेंशन बहुत हुए हैं. सबसे ज़्यादा अगर साइंस की फील्ड में देखा जाए तो वहीं पे ज़्यादा हुए इन्वेंशन हुए हैं, ज़्यादा डिस्कवरी हुई है. ठीक है, इसीलिए मोस्टली हमारे पास जो वर्ड्स हैं साइंस में वो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं. तो ये भी एक लैटिन सेंटेंस है जिसका नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और इसका मतलब क्या हो गया, ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. क्लियर हो गया? तो यहाँ तक मैंने आपको सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया और ये बताया कि कैसे साइंटिस्ट ने सेल्स के बारे में डिस्कवर किया, सेल्स के बारे में कैसे पता लगा. तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेल थ्योरी. देखो, अगर आपकी कोई पेन खो जाए, ठीक है, या कोई भी खो जाए, कोई अगर मान लो कोई बेबी खो गया, कोई बेटा खो गया, किसी का कि कोई बेटी खो गई, तो इस तरह से अगर जब कोई खो जाता है, ठीक है, तो उसकी डिस्कवरी होती है, मतलब उसको ढूंढा जाता है. इन्वेंशन और डिस्कवर में आपको तो पता होगा, इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज़ बनाना जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अपरेटस, फॉर्मेशन ऑफ एनी थिंग विच इज़ नॉट एग्जिस्टेड, वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. लेकिन डिस्कवर में क्या होता है कि इफ़ एनी थिंग इज एग्जिस्टिंग, वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसको आपको क्या कर रहे हो, आप उसको ढूंढ रहे हो. ठीक है, तो जब भी वो मिल जाती है ना, तो बहुत लोग आ जाते हैं उसके बारे में बताने. जैसे आपकी कोई पेन है या कोई भी चीज़ खो गई थी, तो अगर मिल गई तो बताएंगे इसको मैंने वहाँ देखा था, ये तो उनके पास था, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं. तो जब सेल के बारे में डिस्कवरी हो गई कि सेल ऐसी है, ठीक है, तो उसके बारे में सेल थ्योरीज आने लगी, उसके बारे में मतलब सेल के लिए बहुत सारी थ्योरीज उसको सपोर्ट करने के लिए आने लगी. ठीक है, आपके बुक में दो सेल थ्योरी दी होंगी, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा टू सेल थ्योरीज आर देयर. लेकिन मॉडर्न अगर बॉटनी की बात करें, मॉडर्न साइटोलॉजी की बात करें, तो देर आर थ्री पॉइंट्स इन द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में तीन पॉइंट्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स, ये पहला पॉइंट है. मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर कंपोज ऑफ वन, वन अगर होगा तो यूनिसेलुलर, और अगर मोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीसेलुलर.
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल्स आर द बेसिक यूनिट विद इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो बेसिक यूनिट उसकी क्या है, सेल है। एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ के जो भी केमिकल जिसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, दे ऑल टेक प्लेस विद इन द सेल्स। अभी ये मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया था, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल सेल्स अराइज ओनली बाई डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे एक सेल बन गई, अब नई सेल्स कैसे आएगी, नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, बाई विच प्रोसेस, बाई द सेल डिवीजन प्रोसेस। और कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इवोल्यूशन में आप पढ़ोगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ में, कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। लेकिन ये माना जाता है कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल ही थी। जैसे अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को कंपेयर करें, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिस्टेड 1 to 2 billion ईयर्स एगो फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है, जो वेल डेवलप सेल होती है, दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल, दे फॉर्म लेटर ऑन, वो बाद में बने, बल्कि सबसे पहले कौन से सेल्स आए होंगे, प्रोकैरियोटिक। और ये माना जाता है प्रोकैरियोटिक के पहले ही वायरसेस का फॉर्मेशन हुआ होगा, क्योंकि वायरसेस के पास बहुत ज़्यादा सेलुलर ऑपरेटस वगैरह नहीं होते, ठीक है, उनके पास केवल जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन कोट होता है। जैसे आप कोरोना वायरस के केस में देख सकते हो कि कोरोना वायरस हैज ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड अ प्रोटीन कोट, और उसके ऊपर क्या होती है, प्रोटीन कोट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म अगर देखा जाए तो दैट इज वायरसेस। लेकिन वायरसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज अ लिविंग, उनको हम लिविंग कंसीडर कर नहीं सकते। आपको पता है, आपने अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा ही था कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं दैट प्रूव दैट द वायरसेस आर द लिंक बिटवीन द लिंक लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो दोनों के बीच में क्या है, लिंक है, बट दे आर नॉट एक्चुअल, दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन लिविंग प्रोकैरियोट्स क्या है, लिविंग सेल्स है, उनको लिविंग सेल्स में कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कौन सी सेल्स आई रही होगी, प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल थ्योरी के बारे में। नाउ कम टू द ओवरव्यू ऑफ अ सेल, ठीक है, एक ओवरव्यू देखते हैं। देखो, ओवरव्यू डायग्राम के से पहले मैंने आपको बताया था ना कि जिस रूम में आप बैठे हो, मैं उसको रूम, उसको सेल से कनेक्ट कर दूंगा। कैसे, देखो, जिस रूम में आप बैठे हो उसमें आप देख रहे होगे तो एक पार्ट है, ठीक है, जिससे पूरा रूम सराउंडेड है, तो दैट इज सेल वॉल। इस पार्ट को आप क्या बुला सकते हो, सेल वॉल, क्लियर है, ठीक है। तो आपका जो रूम है दैट इज सराउंडेड बाय अ वॉल, दैट इज नोन एज सेल वॉल। अब तुम कहोगे सर सेल वॉल तो प्लांट में ही प्रेजेंट होती है, यस, सेल वॉल प्लांट में ही प्रेजेंट होती है। सम टाइम द सेल वॉल इज आल्सो ऑब्जर्व इन द बैक्टीरिया, ठीक है, बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट सेल वॉल, वो प्लांट के सेल वॉल से डिफरेंट होती है। उसके बाद आपके रूम में इसी वॉल में एक डोर लगा होगा, ठीक है, एक डोर लगा होगा। डोर का क्या फंक्शन है, वॉल का तो फंक्शन है शेप प्रोवाइड कराना, जिस तरह की आपकी वॉल बनी होगी रूम की उसी तरह आपके रूम का शेप होगा, प्रोटेक्शन देना, रिजिडिटी देना, ठीक है, रिजिड होती है। और वॉल पता है आपको लिविंग नहीं होती, दैट इज डेड। उसके बाद जो डोर लगा है आपके रूम में, ठीक है, जो डोर लगा है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल का नेक्स्ट पार्ट होता है आफ्टर द वॉल, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुलाते हैं। अब इसको डोर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज थ्रू द डोर द एनी वन एंटर इन योर रूम, उसी के थ्रू पैसेज होता है। सेम एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड द पैसेज इफ एनीथिंग इट इज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, हार्मफुल और यूजफुल, दैट इज अलाउड बाई द डोर, मतलब दैट इज अलाउड बाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपके रूम का जो डोर है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसका मतलब अगर आपके रूम में किसी को आना है नहीं आना है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो डोर डिसाइड कर रहा है, ना कि वॉल डिसाइड कर रही है, क्लियर है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो देखती है कि वॉट आर द सबस्टेंसेज, दोज आर एसेंशियल। ऐसा तो है नहीं जो बाहर भी आपके कॉलोनी में या रोड पे जो भी चल रहा है वो सब आपके रूम में आ जाए, ऐसा नहीं होता ना। अगर आपका डोर क्लोज है तो आपके रूम में कोई भी नॉन एसेंशियल चीज़ें एंटर नहीं कर सकती, क्लियर है। तो आपके रूम के दो पार्ट सेल से कनेक्ट हो गए, पहला वॉल और दूसरा डोर। उसके बाद आपका जो बेड एरिया है वो सबसे मेन एरिया होता है। अगर आपके रूम में जो बेड एरिया है, जहाँ पे आपके बेड रखे हैं, वो जान लो मेन एरिया है, उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, न्यूक्लियस से, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लियर है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस, मतलब आपके सेल के, मतलब आपके रूम के दो मेन पार्ट हो गए, एक तो वॉल हो गया, वॉल में ही क्या लगी है, डोर लगा है, और सेल में क्या लगी है, सेल मेम्ब्रेन लगी है, क्लियर है। और जो मेन पार्ट है, बीच का जो मेन पार्ट है, न्यूक्लियस, क्यों मेन पार्ट बुला रहे हैं, बिकॉज फ्रॉम दैट पार्ट वी कैन रेगुलेट एवरीथिंग। जैसे अगर हम बेड पे बैठ जाएं तो पता लगा हम टीवी भी देख सकते हैं, हम लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, एवरीथिंग,
तो जहाँ पे बैठ के वो एक कंट्रोलिंग पार्ट हो गया, कंट्रोलिंग सेंटर हो गया। सेम एज इन द सेल द न्यूक्लियस इज ऑल्सो द कंट्रोलिंग सेंटर। अब वो कंट्रोल कैसे करता है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी चैप्टर के कंप्लीट होते होते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर करेंगे ना, ठीक है। तो इस तरह से जो बेड वाला पार्ट है वो जान लो क्या है, न्यूक्लियस है। उसके बाद जो स्पेस बच रहा है, अब देखो सेल वॉल के बाद और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। उसी को क्या बुलाते हैं हम, साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। अब इन द साइटोप्लाज्म आपका रूम का जो स्पेस है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, अलमीरा प्रेजेंट है। अलमीरा में आप क्या करते हो, स्टोरेज करते हो। सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया, आपके रूम में जो अलमीरा है वो क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या है, स्टोर होता है एनर्जी। आपके अलमीरा में भी आपके पैसे रखे हैं, आपके कपड़े रखे हैं, मतलब आपकी एनर्जी तो है उसमें स्टोर हो रही है, क्लियर है। उसके बाद अगर किसी का रूम होता है, कभी कभी एक ही रूम में किचन भी होता है, जब आप बाहर स्टडी करने के लिए जाओगे तो आपकी उसी रूम में आपने एक छोटा सा किचन भी बना रखा होगा, ठीक है। तो उस किचन को हम अगर प्लांट सेल में है तो उसको क्या बुला सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट बुला सकते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। उसके बाद आपने अपने रूम में लॉन्ड्री बैग रखे होते हैं, ठीक है, या छोटे छोटे बैग रखे होते हैं, उसमें सारी चीज़ें स्टोर करते जाते हो। कोई भी चीज़ लेके आते हो तो उसको उसमें रख देते हो, स्टोर कर देते हो, वो वैक्यूल्स हैं, ठीक है, वो हैं क्या, वो वैक्यूल्स हैं, क्लियर है। इस तरह से आप अगर कनेक्ट करो तो आपको आपके रूम में जो भी पार्ट हैं वो कहीं ना कहीं सेल से जरूर कनेक्ट कर ले रहोगे। डोर है, उसके बाद उस वॉल है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया मतलब अलमीरा के बारे में मैंने बताया। उसके बाद अगर किचन भी आपने उसमें छोटा सा सेटअप कर रखा है, इंडक्शन कर रखा है, तो जान लो किचन है, मतलब क्लोरोप्लास्ट है। न्यूक्लियस मतलब आपका जो बेड वाला एरिया है वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसका मतलब जो स्पेस है, जो मैट्रिक्स है सेल का, दैट इज साइटोप्लाज्म। उसी को क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। तो दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ अ सेल, ये ओवरव्यू है। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होंगे, प्रोटीन्स होंगी, दैट इज मेड अप ऑफ, मतलब दैट विल मेक द क्रोमोसोम। वो क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बुलाएंगे, ठीक है, उसको हम क्रोमोसोम्स बुलाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो किस में प्रेजेंट होंगे, सेल में प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो द मेन कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज वाटर, बट इन द वाटर इन दैट मटेरियल अ लॉट ऑफ केमिकल्स, अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनल्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो अगर कोई कभी भी पूछे कि ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेल में, तो दोज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है ना, वो हर एक ऑर्गेनल को एक दूसरे से सेपरेट करता है। जैसे अगर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन उसको अदर ऑर्गेनल से, अदर पार्ट से क्या करेगी, सेपरेट करेगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल है ना वो इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। उसके अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर हो सकती है, उसके अंदर फूड भी स्टोरेज हो सकता है, फूड का सिंथेसिस भी हो सकता है। वो अपने पार्ट को कंट्रोल भी कर सकती है, अपने एंजाइम्स, अपने राइबोसोम्स खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। तो दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट यूनिट, वो है क्या, इंडिपेंडेंट यूनिट है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने एक ओवरव्यू दे दिया सिंपल सा, अब इसको डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो, ओवरव्यू ऑफ अ सेल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अब डायग्राम में देखो सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया, इसमें सेल वॉल नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या लगी होगी, सेल वॉल। उसके बाद जो आपको स्पेस दिख रहा है सेल में, दैट इज व्हाट, साइटोप्लाज्म। उसको क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म। देखो साइटो मतलब क्या होता है, सेल, प्लाज्म मतलब क्या होता है, फ्लूइड, ठीक है। तो जो लिविंग कंटेंट है या जो फ्लूइड है सेल का, वो है क्या, वो साइटोप्लाज्म। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग ये एक चीज़ तो सब लोग को पता होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन डिटेल, डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस इज अ कंट्रोलिंग सेंटर, आपको पता है, इन द न्यूक्लियस द डीएनए एंड क्रोमोसोम्स आर, डीएनए एंड प्रोटीन इज प्रेजेंट एंड दैट फॉर्म द क्रोमोसोम। वही क्या बना लेता है, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एक ऑर्गेनल अटैच होते हैं, इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो नेटवर्क की तरह होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दे जस्ट ऑक्यूपाई द लार्जर नेटवर्क, मतलब लार्जर स्पेस ऑफ द सेल। तो इसीलिए बोलते हैं सबसे जो बड़ा नेटवर्क होता है ऑर्गेनल का, दैट इज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे भी जहां पे भी रेटिकुलम वर्ड आ जाए ना, उसका मतलब ही होता है क्या, दैट इज रेटिकुलम, मतलब बहुत ज्यादा नेटवर्क, नेटवर्क की तरह अगर कोई चीज़ है तो दैट इज रेटिकुलम। उसके बाद राइबोसोम्स, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके पास मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ठीक है, तो ये राइबोसोम्स होते हैं। गॉल्जी ऑपरेटर्स, आपको पता है गॉल्जी बॉडी, ठीक है, गॉल्जी ऑपरेटर्स, कैमिलो गॉल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। तो इस तरह से एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया कि ये सेल का ओवरव्यू होता है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सेल, ये पार्ट होते हैं सेल के, ठीक है, और ये है, दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ अ सेल। ये एक ओवरव्यू हो गया सेल के बारे में।
क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आ जाओ शेप एंड साइज। देखो, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर स्टडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वी कैन नॉट से द सेल हैज़ द ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास एक ही टाइप का सेल होगा, एक ही साइज के सेल्स होंगे। जैसे हमारी बॉडी में है, तो अगर हम देखें ब्लड सेल्स को देखें, तो ब्लड सेल्स की जो डायामीटर होती है वो 7 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम नर्व सेल को देखें तो 90 सेंटीमीटर होती है। मतलब इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यू कैन नॉट हैव द सेल्स ऑफ द इक्वल साइज एंड इक्वल शेप, दे विल वेरी। ठीक है, उनका जो शेप होगा, उनका जो साइज होगी, दैट विल वेरी। अब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल ना, तो उसमें आपको सोचने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। तो शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस, सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। जो उनके बीच में जो फिजिकल फोर्स होता है ना, उसकी वजह से वो आइसोडायमेट्रिक हो जाती हैं। उनके डायमीटर लगभग उनकी जो रेडी होती है वो सेम हो जाती हैं। विद ग्रोथ बैंड डिफ्रेंशिएशन, जो उनमें जो ग्रोथ होता है, द सेल्स टेक अप डिफरेंट फॉर्म। जब उनकी ग्रोथ होती है तो उनके अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं, कोई स्पिंडल शेप हो जाता है, कोई स्टार शेप हो जाता है, मतलब डिफरेंट टाइप के शेप्स हो सकते हैं। ऑल दो मोस्टली सेल्स आर ऑफ मेन टू टाइप, लेकिन अगर हम देखें तो सेल्स को केवल दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड साइज। पॉलीहेड्रल, अगर सेल्स की सेम रेडी है, रेडी मतलब रेडियस, ठीक है, अगर सेल्स की रेडियस सेम है तो वो पॉलीहेड्रल है और एलोंगेटेड है। बट देर आर मेनी डिफरेंट वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप अपने बुक में देखोगे तो आपको सेल्स के डिफरेंट फॉर्म मिलेंगे, कोई स्पिंडल शेप है, कोई बाईकॉनकेव शेप है, कोई टिपिकल शेप है, कोई ओवल शेप है, कोई स्फेरिकल शेप है, तो इस तरह से शेप आपको डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, साइज़ की बात करें तो साइज़ में भी वेरी करते हैं, स्मॉलेस्ट सेल भी हो सकती है, लॉन्गेस्ट सेल भी हो सकती है और लार्जेस्ट सेल भी हो सकती है। जैसे देखो, आपको एक चीज़ तो 9 से याद है, पीपीएलओ करते थे ना, देखो उसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नोकार्ड और राउक्स, NOCARD नोकार्ड और ROUX राउक्स। इन्होंने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था फ्रॉम अ कैटल, कैटल वॉज सफरिंग फ्रॉम अ निमोनिया, तो उन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को वहाँ से आइसोलेट किया और इसका नाम रख दिया था PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको नाम रखा था माइकोप्लाज्मा। एक्चुअली माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव सेल वॉल। ठीक है, एकदम बैक्टीरिया की तरह तो होती है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया हैज सेल वॉल, बट माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव सेल वॉल, दैट्स वाई इट बिकम स्मॉलेस्ट देन द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से भी छोटा हो जाता है, क्योंकि जनरली अगर आप जूनियर क्लास के बुक उठा के देखो तो वहाँ पे दिया होगा स्मॉलेस्ट सेल इज प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया, बट इन द 9th और इन द 11th क्लास इट इज़ गिवन दैट द स्मॉलेस्ट सेल इज द माइकोप्लाज्मा, और उसका फुल नेम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। This is the full name of the mycoplasma. ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट सेल सीन सो फार विद डायामीटर ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर। ये माइक्रो है, ठीक है, मैं माइक्रो बना नहीं पाया इसलिए ऐसे लिख दिया है, ये माइक्रोमीटर है, इस तरह से लिख लेना। क्लियर है? अ नर्व सेल, अब जो नर्व सेल है हमारे बॉडी में, जो नर्व सेल होती है जिसको आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ लिया है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। उसकी जो हाइट है वो कितनी पहुँच सकती है, लेंथ कितनी पहुँच सकती है, दैट इज़ 90 सेंटीमीटर। और अगर हम वहीं पे ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो पता ही होगा, ऑस्ट्रिच एग जो है दैट इज लार्जेस्ट सेल, वो क्या होती है, लार्जेस्ट सेल होती है, उसकी साइज़ क्या होती है, 170 मिलीमीटर। क्लियर है? उसके बाद कुछ और भी हैं, और ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने लगा दिया है। एसिटेबुलेरिया, ये एक यूनिसेलुलर एल्गा है। सोचो, एल्गा यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल का बना हुआ है, बट इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर हो सकती है। अब ये भी देख लो, ठीक है, इसका मतलब है कि सेल नंबर पे डिपेंड नहीं करता, उसका उसकी जो ग्रोथ है, उसका किस तरह से उसका फॉर्मेशन हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है जो एसिटेबुलेरिया है यूनिसेलुलर एल्गा है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है। सम स्पीसीज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गा जैसे कॉल्ड्रॉन, उसका साइंटिफिक नेम मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉल्ड्रॉन, मे बी एज लॉन्ग एज 1 मीटर। इसका मतलब है एल्गी 1 मीटर के भी हो सकते हैं, 10 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं, डिस्पाइट दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर तो है, लेकिन फिर भी उनकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर और मीटर में पहुँच सकती है। क्लियर है? तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि सेल की साइज और शेप वेरी कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल भी बता दी और लार्जेस्ट सेल भी मैंने यहाँ पे बता दी। तो इस तरह से सेल्स का, ए सेल का एक ओवरव्यू हमने देख लिया, सेल का एक इंट्रोडक्शन हो गया कि सेल के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी आई विल मूव अहेड। ठीक है, जैसे आपके, तो आप अपनी एनसीईआरटी की एक हैबिट जरूर बना लो कि आपको
एनसीईआरटी ही पढ़नी है. वट एवर एक्स्ट्रा पॉइंट्स आई जस्ट गेव यू इन दिस स्लाइड्स इन दिस लेक्चर दैट इज ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. यू कैन राइट डाउन दोज थिंग इन द इन योर एनसीईआरटी बुक. सो मेनी स्टूडेंट्स आस्क फॉर द नोट्स, दीज आर द नोट्स ना, जो भी मैं स्लाइड्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये नोट्स ही तो है. इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो, बाद में इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो. क्लियर है? ठीक है. बट ड्यूरिंग द लेक्चर डोंट मेक अ हैबिट टू नोट इट डाउन, क्योंकि अगर आप केवल नोट करते रहोगे तो समझोगे नहीं. सबसे पहले लेक्चर को अटेंड करो, उसमें जो भी पॉइंट्स जो भी आपको स्लाइड लगे उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप उसके नोट्स बना सकते हो. ठीक है. और बाद में भी वीडियो को देख सकते हो, दैट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. क्लियर? तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस करके जाना इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, एंड कंफर्म यू आर लाइकिंग द सेशन. इट देर इज नो कोई यहाँ पे डाउट नहीं है कि इफ यू यू विल नॉट लाइक द सेशन. ठीक है. तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी. जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय.